बात करते हैं उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से शनिवार की रात एक मनहूस खबर आई। दरअसल यहां पर राव आईएएस कोचिंग सेंटर है जहां पर बेसमेंट में पानी भर गया, कई छात्र फंस गए, 3 लोगों की जान चली गई। पानी से लबालब भरे इस कमरे को देखिए, जिंदगी बचाने की जंग है। ये सिस्टम की नाकामी की गवाही देती वो तस्वीरें हैं जिसने 3 जिंदगियां ली। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। यहाँ हर रोज की तरह बच्चे देश के भविष्य की तकदीर गढ़ने की कोचिंग लेने आए थे, लेकिन शनिवार की शाम 7 बजे अचानक जल विस्फोट हुआ। देखते ही देखते कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। तो हमने डेड बॉडी रिकवर किए, उसके अलावा करीब हमारे 13-14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स आर देयर, मतलब जिनको हमने मतलब लाइव रेस्क्यू किया, दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग दिस एंटायर रेस्क्यू प्रोसेस हमारे एक फायर पर्सनल का भी थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ था, तो उनको भी हमने हॉस्पिटल भेजा है। रेस्क्यू शुरू हुआ, प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचे। बेसमेंट के पानी को मशीनों के जरिए निकालना शुरू हुआ, लेकिन बेसमेंट में फंसे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हुआ ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे ये बड़ा सवाल बना हुआ है, और यही पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली भी है। जांच चल रही है और कारण जानने की कोशिश हो रही है। दिल्ली का कोचिंग सेंटर मौत का दरिया कैसे बन गया? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सैलाब की असली वजह क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की जानकारी प्रशासन को मिली। बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भरा था, जिसे निकालने में प्रशासन की सांसें फूल गई। पानी निकाल रहे थे, वो पानी वापस आ रहा था क्योंकि सड़क ऑलरेडी पानी से लबालब भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रोड पर भी पानी था, जिससे बेसमेंट में भरे पानी को निकालने में चुनौती का सामना करना पड़ा। इस रोड पे भी काफी वाटर लॉगिंग था। बेसमेंट में एक लाइब्रेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चलता था, उसमें भी फ्लडिंग हो गया। बेसमेंट में पानी को लेकर सीवरेज टूटने की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी जांच का विषय है। सवाल है कि क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में देरी हुई है। एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था। तो कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, अगर उसको मर्डर कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही और राजनीति की जो तस्वीर और कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली है, वो आपको हैरान कर देगी। देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी हालत का कसूरवार कौन है? दिल्ली को हर साल दरिया बनाने वाला ये सिस्टम कब जागेगा? ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसका सीधा सीधा जिम्मेदार प्रशासन और नियमों को ठेंगे पर रखने वाले कोचिंग सेंटर संचालक भी हैं, क्योंकि राव कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग सेंटर में एक ही रास्ता है, बेसमेंट में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। 3 छात्रों की मौत पर जो सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं वही सवाल राजनीतिक पार्टियों से भी है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन राजनीति भी तेज हो गई है। इंक्वायरी के लिए भी हमारी आरटीसी जी ने बोला है कि इसमें मजिस्ट्रेट जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। बेहतर होता एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय दिल्ली की दशा को सुधारने को लेकर भी ऐसी ही तल्खी दिखाई देती। तो आईएएस कोचिंग सेंटर पर जो हादसा हुआ है, फैक्ट्स के साथ सवाल पर बात करते हैं। दरअसल जो घटना हुई है इसे वक्त रहते रोका जा सकता था, अगर प्रशासन का चाबुक समय समय पर ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर चलता रहे तो इन घटनाओं में रोक लग सकती है, लेकिन चाबुक क्यों नहीं चला ये बड़ा सवाल है। राव कोचिंग सेंटर को लेकर एक खुलासा ये भी है कि यहाँ अक्सर पानी भर जाता था, जिसकी वजह से अक्सर क्लासेस रद्द कर दी जाती थी। ऐसे में सवाल है कि अगर जांच में सामने आया है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, अक्सर पानी भरता था, तो बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों? अचानक बेसमेंट में पानी तेजी से भरने लगा तो सवाल है कि उस वक्त कोचिंग के लोग कहाँ थे, क्या छात्रों को बचाने की कोशिश की? पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे तो सवाल है कि इतने दबाव के साथ पानी कहाँ से आया, क्या कोई पाइप फटा? अगर लाइब्रेरी शाम 7 बजे बंद हो जाती है
तो सवाल है कि पानी भरने का अगर खतरा था तो लाइब्रेरी पहले क्यों नहीं बंद हुई, और सवाल वही बना हुआ है कि आखिर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों? लाइब्रेरी तो एग्जिट और एंट्री का अलग अलग रास्ता क्यों नहीं? क्यों एक रास्ते में बच्चों को इस तरीके से दम घुट के निकलने के लिए मजबूर किया गया? हमें यहां से 3 शव मिले और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा, मौत, सवाल और बवाल, कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर फैक्ट्स और फिगर्स तो आपने जान लिए, लेकिन चश्मदीदों की जुबानी जो लापरवाही की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बताएगी कि कैसे ये खौफनाक घटना हुई और लापरवाही की इंतहा कैसे यहां पर चल रही थी। जैसे ही कोचिंग सेंटर में पानी भरने और छात्रों के फंसे होने की खबर एबीपी न्यूज की टीम को मिली तो तुरंत ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज के संवाददाता पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन को इस दिल दहलाने वाले हादसे के बारे में कोई सटीक जानकारी ही नहीं थी। लेकिन कोचिंग सेंटर के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा, देर रात जोरदार प्रदर्शन हुआ। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी के साथ बातचीत में हादसे के चश्मदीद छात्र ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला के। बिल्कुल देरी हुई है, क्योंकि जो चीज मतलब अगर हो सकता है कि अगर वो समय रहते किया जाता तो शायद बचाया जा सकता था। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय के साथ एक और चश्मदीद ने बात की तो उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स की असलियत सामने रख दी। बेसमेंट का गेट जो है इलेक्ट्रिक है और उसका मेट्रो की तरह काट रहा था, आप पंच करोगे तभी गेट खुलेगा। लाइट नहीं रहा तो? अगर लाइट नहीं रहा तो अंदर रहोगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।